आज के समय में नौजवान जो है वो बहुत ही नेगेटिविटी का शिकार हैं। जब देखो उनके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी छाई रहती है कोई भी कार्य करना हो पहले उसकी असफलता का डर दिलो दिमाग में छाया रहता है कोई बिजनेस करते हैं तो ये ध्यान रहता है कहीं मैं असफल ना हो जाऊं कोई भी काम धंधा करते हैं कभी ये सोच के नहीं कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा बल्कि हमेशा उनके अंदर यही रहता है नहीं सफलता मुझे नहीं मिलेगी मैं पढ़ाई में पास नहीं होऊंगा मेरी मेरिट नहीं आएगी गेम खेलने जाता है नहीं मैं जीत नहीं पाऊंगा मैं मेडल नहीं ला पाऊंगा तो इसे कहते हैं नेगेटिविटी और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मिक कमजोरी कहा जाता है जब आत्मा को खुराक नहीं मिलती तो इंसान की सोच भी कमजोर हो जाती है इंसान यही सोचता रहता है कि हां मैं कुछ नहीं कर सकता आप ऐसा क्यों सोचते हैं क्यों आती है आपके अंदर नेगेटिविटी क्यों होता है यह सब तो इसकी वजह क्या है क्यों इंसान सोचता है ऐसा इसका कारण सिर्फ एक है और वो है आत्मिक कमजोरी इंसान के हौसले पस्त हो जाए जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उसके अंदर की आत्मा कमजोर हो चुकी है बलवान नहीं है हर बात पे नेगेटिव सोचता है हर बात गलत तरफ लेके जाता है यहां तक कि बड़े बुजुर्गों के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं आपका बच्चा कहीं सफर कर रहा है यात्रा पे है तो आप उसका नेगेटिव पहले सोचेंगे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं चोट ना लग जाए कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए इत्यादि इत्यादि मां बाप ये भी तो सोच सकते हैं नहीं यात्रा बिल्कुल सही होगी सही जगह पहुंचेगा क्योंकि उससे पॉजिटिव रेज निकलती हैं, लेकिन यह तब तक नहीं निकलती जब तक आदमी के अंदर आत्मबल नहीं होता और आत्मबल बाजार में कहीं से मिलता नहीं आत्मबल के लिए कोई दुकानें नहीं खुली हुई जिस तरह कोई भी आप साजो सामान लेते हैं उसकी दुकानें हैं आप सब्जी लें रोटी लें खाना खाएं, कुछ भी लें यहां तक कि आपके सिर दर्द है शरीर में कोई परेशानी है डॉक्टर हैं मेडिकल के स्टोर हैं लेकिन कहीं भी जाओ किसी भी स्टोर पे जाइए पूरे वर्ल्ड में आपको आत्मा की दवाई नहीं मिलेगी जिससे आत्मबल बढ़ जाए जिससे बिल पावर बढ़ जाए ऐसी दवा कहीं नहीं मिलती पर क्या ऐसी दवा होती है होती है तो कितनी महंगी होती होगी जरा सोचिए इंसान के अंदर हौसला आ जाता है इंसान हारीबाजी जीत जाता है जब आत्मबल होता है और यह भी देखा जाता है जब ये आत्मा को खुराक मिल जाती है तो मरते हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं तो इंसान सोचता है वो दवा बहुत महंगी होगी क्योंकि ये दवा तो सबसे अलग है मृत संजीवनी कह सकते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर दे हारी बाजी जिता दे कौन सा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा ऐसी दवा लेना कौन सा बच्चा नहीं चाहेगा कि फेल से सीधा मेरिट पे ले जाए और गेम में कहा आप तहसील स्तर पे स्कूल स्तर पे हारते हैं और कहा नेशनल में गोल्ड मेडल आ जाए या फिर वर्ल्ड में आप क्वालिफाई कर जाएं आगे निकल जाएं कौन नहीं चाहता ऐसी दवा तो आप लोग सोचते होंगे गुरुजी जी ललचा रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है पर आपकी सोच बताते हैं कि वो दवा कितनी जबरदस्त है और वो दवा कितनी कमाल की है जो एक है और अनेक काम कर देती हैं आप कहीं से दवा लो सिर दर्द की मिल जाएगी बॉडी के लिए टॉनिक मिल जाएगा आजकल आ गया अब जिसमें बहुत से विटामिन खनिज लवण सब होते हैं लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं होती जिससे सारे कार्य सफल हो जाएं, तो ऐसी एक दवा है जिसे कहते हैं राम का नाम ईश्वर की भक्ति मंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन कलमा शब्द गुरु मंत्र उसके और भी हजारों नाम होंगे और वो दवा कहां से मिलती है, कौन से स्टोर पे जाएं, किस जगह वो दवा मिलेगी किसी स्टोर पे नहीं कोई सच्चा संत पीर फकीर मिले उसकी सत्संग में जाओ और उसके वचन सुनो और अमल करो जब आप सत्संग में जाएंगे सुन के अमल कमाएंगे और वहीं से आपको वो दवा मिलेगी जिसे कहते हैं नाम गुरुमंत्रा कलमा शब्द द गॉड्स वर्ड्स मेथड ऑफ मेडिटेशन तो वो शब्द ऐसे हैं जिनका अभ्यास करने से आत्मबल बढ़ जाएगा और आप जिंदगी के हर क्षेत्र में खास करके अच्छे नेक क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे लेकिन वो दवा कैसे लेनी होती है उस दवा के लिए क्या कोई अलग जगह अलग धर्म अलग जात मजहब में जाना होगा जी नहीं उस दवा को खाने के लिए उस दवा को लेने के लिए जंगल पहाड़ उजाड़ जाने की जरूरत नहीं आपको अपना धर्म जात मजहब बदलने की जरूरत नहीं जिस भी धर्म को आप मानते जिस भी कपड़ों में आप रहते हैं आप रह सकते हैं बस उस दवा को लेने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा जैसे आप सुबह सवेरे वॉक करते हैं जिस तरह सुबह सवेरे घूमते हैं आप घूमते रहिए वॉकिंग करते रहिए लेकिन ख्यालों से अपनी जीभा से वो मंत्रा वो शब्द वो कलमा दोहराते रहिए आपको यकीन नहीं आता होगा ऐसे कैसे संभव है थोड़े से शब्द आपको इतनी शक्ति दे देंगे यह कैसे हो सकता है यह नहीं हो सकता आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे होंगे तो कहा करते हैं हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या आप सत्संग में जब आएंगे तो संत वो शब्द वो मेथड आपको बता देंगे और बदले में आपसे कभी कुछ नहीं लेंगे तो आप उन शब्दों का अभ्यास चलते हुए कर सकते हो लेट के कर सकते हो बैठ के कर सकते हो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो खाना बना रहे हो खाना सर्व कर रहे हो कपड़े धो रहे हो नींद में जा रहे हो लेटे हुए हो यानी शारीरिक अवस्था कोई भी क्यों ना हो वो मेथड तो वो गुरुमंत्रा वो शब्द तो जीभा से ख्यालों से दोहराने उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो ऐसा अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा पर हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो यह सोचते हो कि ये आत्मबल जल्दी बढ़ाना हो तो क्या करें इंसान की इच्छा होती है यार क्यों ना जो काम साल में होता है उसे महीनों में कर दें और महीनों वाला दिनों में कर दें तो क्या इस दवा के साथ भी ऐसा कुछ है जी हां ऐसा है और वो है समय अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बहुत जल्दी अपने बल को हासिल किया जाए बिल पावर को बढ़ा लिया जाए तो उसके लिए एक समय है और वो समय है सुबह दो से पांच का इस समय को धर्मों ने भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है हमारे हिंदू धर्म में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है हमारे सिख धर्म इस समय को अमृत वेला कहा है इस्लाम धर्म बांगे वक्त इलाही वक्त फरज और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन टू, टू टू फाइव साइंस भी मानने लगी है क्या कहती है साइंस अर्ली मॉर्निंग विटामिन to 5 oxygen ऑक्सीजन प्योर एंड मोर इफ यू डू द of ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू देन will power पावर अप एंड upside सारे धर्म वही बात कह रहे हैं साइंस वही बात कह रही तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि अगर विज्ञान की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है आत्मबल जल्दी बढ़ता है ध्यान जल्दी जमता है पर उसके लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा सुबह जब आप उठें उठने के बाद फ्रेश हो लें रफाज जाए क्योंकि खाली पेट सर्वश्रेष्ठ होता है पानी पी सकते हैं अगर आपको नींद आ रही तो मुंह धो ले हाथ धो ले पर शरीर में से अगर कोई स्मेल है बू बदबू कुछ भी आ रहा है तो नहाना जरूरी होगा उसके बाद जब आप बैठने लगे तो जिस तरह से यह हम बैठे हैं इसको सीधी भाषा में योगा का आसन कहें तो आसान आसन अगर ऐसे में आपको तकलीफ है तो आप जिस तरह मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं घुटने औंदे मार के बैठना उसको योगा में कहते हैं वज्र आसन पर इन दोनों में अगर आपके घुटनों में या पीठ में बैक में दर्द है तो ऐसे मत बैठे क्योंकि यहां दर्द है ध्यान वहां चला जाएगा तो आप जैसे कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं जैसे बैठे और पांव लटका लिए तो उस तरह से बैठ सकते हैं, और उसके बाद आप अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच नाक के ऊपर ललाट माथे की यह जगह इस जगह को दसवा द्वार या तिल मेहराब वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है तीसरा नेत्र थर्ड नॉलेज आई या नॉलेज थर्ड आई भी कहा जाता है हमारे शरीर में नौ दरवाजे हैं नौ डोर हैं, जो खुले रहते हैं अगर बाहर से देखें तो वो नौ हैं। तो कान दो आंख दो नाक एक मुंह और दो इंद्रिया है लेकिन यहां एक दसवां दरवाजा है जो बंद है साइंस भी मानने लगी तो सारा कंसंट्रेट, सारा ध्यान यहां लगाना है और फिर गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास करना है उसको दोहराना है जीभा से दोहराइए मक्खी मच्छर तंग करता है तो पतली सी चद्दर ऊपर ले सकते हैं सर्दी तंग करती है कपड़ा ले सकते हैं हाथों को यूं रखना है कोहनी का वजन जांग पे आ गया और यहां ये काफ पे आ गया ताकि कोई प्रेशर आपका ध्यान इधर उधर ना करवा सके तो आप बैठ गए अब आप ऑफ मेडिटेशन दोहराइए आंखें बंद रखिए सबसे बढ़िया है खोल के भी कर सकते हैं लेकिन वो बाद में जब आपका ध्यान आपके काबू में आ जाए जब विचार स्थिर होने लगे तो ऐसा करने से क्या होगा कैसे आएगा बिल पावर ऐसा करने से जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी में एक ताजगी आने लगेगी आपके शरीर में एक शक्ति आने लगेगी जिसका मतलब है आत्मा शरीर में से सिमट रही है अब आप कहेंगे आत्मा रहती कहां है सिर से लेके पांव के, के अंगूठे तक पूरी बॉडी में आत्मा की वजह से शरीर में शक्ति है सब कुछ है तो पांव से सिमटना शुरू करती है यहां तक आती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सिमट के यहां पहुंचती है तो ये होता है आपका आतंकबल का बढ़ने का पहला स्टेप जबरदस्त तरीके से बढ़नी शुरू होगी जिसे कहते हैं बूस्टअप जबरदस्त तरीके से और आतंकबल बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा आम तौर पे कहा जाता है इंसान अपने दिमाग का पांच से दस परसेंट हिस्सा इस्तेमाल में लाता है इससे ज्यादा नहीं तो जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं मैथ्रोमेडिटेशन करते हैं गुरुमंत्रा कलमा शब्द का जाप करते हैं तो बल बढ़ता है और उससे होता यह है कि जो आप दिमाग का पांच से दस परसेंट हिस्सा इस्तेमाल में लाते थे वो दस से बीस परसेंट इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से बताएं तो जब आप पांच दस परसेंट दिमाग का इस्तेमाल करते थे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कोई परेशानी आई कोई मुश्किल आई कोई बीमारी आई जिससे आप घबरा गए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला उस समस्या का हल आपको नहीं सूझ रहा उस बीमारी से लड़ने की शक्ति आप में नहीं है आप हारते जा रहे हैं आप गिरते जा रहे हैं होता क्या है जैसे ही गुरुमंत्रा का अभ्यास आपने किया बल बढ़ा और आप अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल डेढ़ गुना या डबल करने लगे तो सीधी सी बात जब आपका दिमाग पांच दस परसेंट सोचता था आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे तो समस्या का हल नहीं मिल रहा था बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं मिल रही थी आदत बदलने के लिए ताकत नहीं आ रही थी और जैसे ही आपके दिमाग को आप डबल काम में लेने लगे तो नेचुरली आपके दिमाग में हर परेशानी का सॉल्यूशन हर समस्या का हल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे तो इस तरह से आत्मबल मिलता है और वो आत्मबल बाहर नहीं आप सबके अंदर है आपको ज्ञान नहीं है आपको पता नहीं है जिसकी वजह से कभी कोई विचार आप पे हावी हो जाता है कभी कोई विचार हावी हो जाता है आत्मबल का ढेर होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं आपके अंदर आत्मिक शक्ति होते हुए भी आप परेशान रहते हैं आप खुशियां हासिल नहीं कर पाते सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं नेगेटिविटी का आप शिकार हो जाते तो आत्मबल आपके अंदर है, है ना हैरानीजनक बात इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं सच्ची कहानी सच्ची बात एक बहुत अमीर आदमी था वो मरने लगा जुबान बंद हो गई बहुत पैसा था पुराने समय की बात हीरे जवाहरात अशरफिया वो दबा गया और बता नहीं पाया मर गया बच्चे मजदूरी करने लगे उनके बाप का एक दोस्त आया घर पूछ के वहां पहुंचा देखा बड़ा ही खस्ता हाल है वो दंग रह गया बच्चों को बुलाया कहने लगा भाई क्या हुआ आपके पिता तो बहुत अमीर थे और आपका ये हाल कहने की जी कौन से अमीर कुछ नहीं छोड़ के गए हमारे लिए हम तो मजदूरी कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो पेट भर रहे हैं वो कहने का नहीं मैं बताऊं आपके खजाना है हीरे ज्वाहरात माणिक अशरफिया ढेरों हैं आपके पास कहने लगे कहा तो उस दोस्त ने बताया मेरे मित्र ने बताया था घर में कहीं दबी हुई घर बहुत बड़ा था बच्चे मेहनत करने लगे खोदने लगे जगह और खोदते 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 खोते आखिर लास्ट में उन्हें वो घड़े मिल गए और वो अमीर हो गए तो उसी तरह आत्मबल बिल पावर आप सबके अंदर भरा हुआ है लेकिन आप कंगाल हैं आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है इतनी शक्तियां आपके अंदर मालिक ने भर रखी तो आपके उस भगवान का कोई दोस्त जो कि संत होता है वो आए और आपको बताए कि बेटा तेरे अंदर जो खजाना भरा पड़ा है तेरे अंदर जो आत्मबल बे इंतहा है उसको निकालने का ये तरीका है तरीका गुरु मंत्रा मेथड ऑफ मेडिटेशन वो दे दे और बदले में एक भी पैसा ना ले आप उसका अभ्यास करें तो जरूर आपके अंदर का दवा खजाना आपको मिलेगा जिस तरह उन बच्चों ने मेहनत की उन्हें अशरफियां हीरे जौहरात से भरे घड़े मिल गए उसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे हम आपको गारंटी देते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए समय देना होगा बिना जात धर्म मजहब बदले आप अपने अंदर का आत्मबल हासिल करेंगे और जिंदगी की चौतरफ खुशियां हासिल जरूर कर पाएंगे।